एक बार की बात है, पतंगों का त्योहार होता है और सभी के सभी लोग मिलकर पतंगे उड़ा रहे होते हैं। पूरा जो आसमान होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। इतनी कलरफुल पतंगे पूरे आसमान में उड़ रही होती है, देखने में बहुत ही कलरफुल पूरा आसमान लग रहा होता है। उसी के अंदर एक फादर होते हैं और उसका बेटा होता है। जो बेटा होता है वो अपने फादर को बोलता है कि हम भी इस बारी अपनी पतंग लाते हैं और उसे उड़ाते हैं। तो जो फादर होते हैं वो उसको लेके जाते हैं एक शॉप पर और वहां से बहुत सारी पतंगे और साथ में एक चरखी लेकर वापस आते हैं और पार्क से आकर उड़ाना शुरू करते हैं। जो उसके जो फादर होते हैं वो उस पतंग को उड़ाते हैं और स्लोली स्लोली वो जो पतंग थी वो दूर जाने लगती है और थोड़ी थोड़ी दूर और ज्यादा बढ़ती जाती है। वो जो लड़का जो होता है वो अपने फादर को बोलता है कि ये जो पतंग है हम इसके अगर डोर काट देंगे तो ये जो पतंग है ये फ्री हो जाएगी और ये और भी बहुत ज्यादा ऊपर तक चली जाएगी और ये बिल्कुल भी फिर नीचे नहीं आएगी, तो हम क्यों ना ऐसा करके देखें। जो उसके जो फादर होते हैं वो वहां से उस डोर को काट देते हैं और वो जो पतंग जो होती है वो और स्लोली स्लोली वो ऊपर बढ़ती जाती है। जो लड़का होता है बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि पतंग बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है और वो एक जगह पे जाके रुक जाती है। अब धीरे धीरे करके वो जो पतंग थी वो नीचे गिर जाती है और एक अननोन घर के वहां के टेरेस पर गिर जाती है। जो लड़का जो होता है वो अपने फादर से पूछता है, वो बोलता है कि हमने तो पतंग जो थी उसको की तो हमने डोर काट दी थी और वो तो इतनी ऊपर थी, तो वो पतंग नीचे कैसे गिर गई, वो नीचे कैसे डूब गई वो पतंग। तो जो उसके जो फादर होते हैं वो जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक हमारे पास उस पतंग की जो डोर होती है, हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी स्पीड होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम मैनेज करते हैं, पर जब पतंग की जब हम डोर कट जाती है और जब वो कागते पतंग जब ऊपर हवा में होती है तो थोड़ी देर तो वो अपना डिस्टेंस बनाई जाती है, स्पीड बना के रखती है और जो पतंग जो होती है जैसी उसकी जो हवा होती है वो धीरे हो जाती है तो वो पतंग भी अपने आप नीचे आ जाती है और वो अपना बैलेंस खोकर कहीं ना कहीं गिर जाती है, जैसा कि इस बार भी हुआ। तो जो उसका जो लड़का होता है उसको इस बात के बारे में समझ में आ जाता है, उसको पता चल जाती है कि जो उसकी जो मिस्टेक थी वो कहाँ थी, उसकी क्या गलती क्या थी। ऐसा ही बिल्कुल हमारे साथ भी होता है, जब तक हम एक हाइट पर होते हैं और हम धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी वजह से ही यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम हमेशा अपनी वजह से, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड की वजह से वहां तक पहुंचते हैं। तो कभी भी आप ये मत कहा करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही यहाँ तक हूँ। जैसे कि उस पतंग के साथ जो उसकी जो डोर होती है उसकी वजह से ही वो इतनी ज़्यादा ऊपर तक पहुँचती है, वो अपना बैलेंस बनाए रखती है और उसकी जो स्पीड होती है वो मेंटेन रहती है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी यही स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। आपको इस बात से कितना एग्री करते हो तो आप इसे कमेंट में बता सकते हो। आप इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके साथ और आप उनके साथ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करें अपनी सक्सेस के लिए। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।